सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैन मॉडलिंग कैसे करते हैं 3D फ्रेम में, वो भी मोबाइल की मदद से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक स्क्रोप ले लेंगे हम, इसको हम थोड़ा ऊपर की ओर लेंगे और स्केल्स पे जाके थोड़ा छोटा चिपटा टाइप का कर देंगे। जैसे फैन नहीं रहता उसी तरह से हम चिपटा कर देंगे इसको, कुछ इस तरह से। यहाँ होने के बाद हम पोजीशन पे जाके थोड़ा सा ऊपर करके नीचे, अब नीचे की ओर जो दिख रहा है डिब्बा डिब्बा, एक डिब्बे पे हम क्लिक करके और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, चार पॉइंट को हम क्लिक कर लेंगे। आप थोड़ा सा दबा के रखोगे तो कॉपी हो जाएगा आपका, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। चार टू सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर जो चरपाही की तरह दिखेगा इस पर क्लिक करके हम फर को बाहर की तरफ खींच देंगे पोजीशन की मदद से। तो ये हमारा एक पर बन के रेडी है। अब इसका जो आर्ट आगे का है, हम इस पर चिन्ह पे थोड़ा दबा के रखेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद पोजीशन पे जाके इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे और सेम नीचे का भी हमें ऊपर कर देंगे, थोड़ा पतला कर देंगे क्योंकि पर बहुत मोटा हो जा रहा है। यह होने के बाद सेम हम दूसरा पर भी इसी तरह बना लेंगे और आगे का जो ये दिख रहा है मोटा है तो इसको हम सेम उसी की तरह पतला कर देंगे। लकीर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लकीर पे थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हम पोजीशन पे जाके इसको थोड़ा सा नीचे की ओर कर देंगे, सेम इसी तरह आपको नीचे वाला पॉइंट को भी ऊपर की ओर कर लेना है। सो गाइस, हमारा दो पर बन के रेडी हो चुका है। अब हमारे आता है तीसरे पर, तो पंखे का तीसरा पर हम बनाएंगे। अब सेम उसी तरह हमें सेलेक्ट करना है और जो चरपाही की तरह दिख रहा है उस पर जाके हमको इसे पोजीशन की मदद से बाहर की तरफ खींच लेना है, कुछ इस तरह से। गाइस, हमारा पर छोटा बड़ा हो गया, लेकिन आप टाइम देना और अच्छे से बेहतरीन आप बना सकते हो, पर एक साइज में रखना। मैं ऐसे वीडियो में बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो बहुत टाइम लेगा, और आप जितना अच्छा टाइम दोगे उतना ही बेहतर आप ये एनिमेशन कर सकते हैं। और ऊपर की ओर जाएंगे, ये जो बीच में दिख रहा है पूरा इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा दबा के रखेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में दबाते चलेंगे पूरा, हम ये सर्कल जो दिख रहा है इसको हम सिलेक्ट करके और स्केलर पे जाके इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हमारा सिलेक्ट हो चुका है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से और छोड़ गया। तो फिर से हम एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे पोजीशन पर। अब इसको ऊपर की ओर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे पोजीशन पे जाके कुछ इस तरह से, और फिर हम स्केलर पर जाएंगे और इसको हम थोड़ा घटा देंगे, छोटा कर देंगे, थोड़ा राउंड में ही रखना है क्योंकि यहाँ से अब हमारा एक राड निकलेगा जो सीलिंग में जाता है कुछ इस तरह से। अब फिर हम इसमें पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन पे जाके और ये जो चारपाही बनाए इस पर क्लिक करके हम ऊपर की ओर चले जाएंगे, खींच देंगे ऊपर। ये राड हमारा जो सीलिंग में लगेगा ये राड है। अब इसको हम थोड़ा स्केल पे जाके थोड़ा और पतला कर देंगे, कुछ मोटा ही है राड तो इसको और पतला कर देंगे हम, राउंड ही रखना गाइस। तो अब ये हमारा सीलिंग फैन बन के रेडी है। अब इसमें आता है एनिमेशन डालने की बारी। तो गाइस, हम जाएंगे अब एनिमेशन पर। तो हम एनिमेशन पे जा रहे हैं। अब ये एनिमेशन है अपना, जीरो पर हम क्लिक करके और ये घड़ी को हम लॉक कर देंगे। अब यहाँ से हम फिर चले जा रहे हैं 200 पर। 200 पर जाने के बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन ऊपर वाले पे हम इसको 2000 कर देंगे और घड़ी को लॉक कर देंगे। अब ये हमारा एनिमेशन भी हो चुका है। तो गाइस, हम चला कर दिखा दे रहे हैं आपको, कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन हो चुका है। अब इसको हम इसमें फिट करेंगे कैमरा, कैमरे पे जाएंगे और जूम इन कर देंगे और इसको थोड़ा बढ़िया सा पोजीशन देने के बाद कुछ इस तरह से और रेंडर कर देंगे हम। तो हमारा ये वीडियो रेंडर हो रहा है अभी। सो गाइस, एक बार हम वीडियो चला कर दिखा दे रहे हैं।